अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमान सच न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम को लगता है कि TRS और CM KCR ने तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाया है, पर क्या ये बात सच है? क्योंकि कल तेज बारिश हुई और बारिश का पानी दरगाह यूसुफ़ैन नामपल्ली के अंदर दाखिल हो गया, जिसके बाद दरगाह के मुंतजमीन को बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप ये मंजर देख सकते हैं। फिर गच्चीबौली के एक कब्रस्तान में ड्रेनेज का पानी जमा हो रहा है, जिसके बाद वहां की खबरें उस गंदे पानी में डूब रही है। क्या कर रही है हमारी हुकूमत और क्या कर रहा है वक्फ बोर्ड? क्या वक्फ बोर्ड की नज़र सिर्फ ज़मीनों पर ही है? क्या दरगाहों और कब्रस्तानों को अहमियत नहीं दे रही है हमारी हुकूमत और वक्फ बोर्ड? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुल्ताना बेगम है, मैं अंजनागर गच्चीबौली से बोल रही हूँ। हमारे अंजना में कब्रस्तान के बारे में मैं बहुत जनों को जाके बोली, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। अमित पटेल साहब को मैं बोली कि हमारे कब्रस्तान में एक बार आके देखिए, हमारा कब्रस्तान ऐसा है, मैयत को ले जाने को भी तकलीफ हो रही। श्री बुनो क्या बोले आके, आप याद दिलाते रहिए, मैं आके देखता हूँ। एक महीना होगा कोई आ रहे नहीं। हमारे बस्ती के बच्चे भी जो भी आगे बढ़ रहे हैं, उन लोगों को भी पीछे कर दे रहे। हाँ, 4-6-7 साल से हमारा कब्रस्तान ऐसी है, आप लोग देख सकते हैं पीछे की तस्वीर। मैयत को भी लग जाने को जगह नहीं है, गू के पानी से पूरे खबरा मिट गए। हम लोगों को आप मेरी बात जहाँ तक जारी, कोई भी मेरी मदद करने वाले हैं अंजनागर के बारे में, हमारे कब्रस्तान के वास्ते, कम से कम जिंदे लोगों की मदद नहीं करे तो नहीं करे, मुर्दों की मदद करके उन लोगों के साथ दो, बस गुजारिश है। और आपका बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अंजनागर से बोल रही हूँ। अंजनागर के कब्रस्तान में पूरा गंदगी फैली हुई है। पूरा हर एक आदमी को जाके बोल रहे हैं, बड़े जो लीडर है उनको सबको जो कर जाके बोल रहे हैं साफ कराओ, बोल के नहीं सुन रहे हैं। म्यूनसिपल वालों को भी इतला करे, वो लोग अभी नहीं आए, वो लोग अभी आके नहीं देख रहे, कर रहे नहीं। पूरे मोहरियाँ भी जाम हो गए है, पूरा कहाँ कहाँ रोड़ों में भी जाम हो गया है, पूरा कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कोई भी पकड़ा ले रहे नहीं जाके बोले तो। बड़े बड़े लोग अपने अपने काम करा ले रहे, मगर कब्रस्तान का काम नहीं करा रहे, रोड़ों का काम नहीं करा रहे, कोई भी एरिया के मुकामी एमएलए को नहीं आता एरिया का कोई भी नहीं पकड़ा ले रहा, कोई भी बोले तो। कराते हैं अम्मा, करा रहे अम्मा, करा रहे बोल के बोल रहे, मगर कोई आके करा रहा नहीं, साफ नहीं करा रहा, ना गलियों में कचरा साफ हो रहा, ना कुछ, ना क्या, ना किधर। आपके एरिया गंदगी पूरा फैली हुई है। पूरे काउंसलर कौन है आपके एरिया? अमित पटेल साहब। अमित पटेल। एमएलए कौन है? गांधी साहब। गांधी साहब। सब बोले आप लोग जाके बोले, आप बोले बोले जाके बोले तो मैं आ रहा हूँ अम्मा, पक्का आ रहा हूँ करके जाके बोले, जाके जाके पूरा गंदगी फैली हुई है, आओ बोल के हम जाके बोले, रिक्वेस्ट करें उनको, हमारा हद तक नहीं करे तो नहीं करे, कब्रस्तान की तो भी जरा देखभाल करके करो बोल के हम लोग बोले। बोले तो हाँ अम्मा मैं आ रहा हूँ, पक्का आ रहा हूँ बोल के बोले, आए नहीं, नहीं आए। हम देखे देखे अब देख के अब ये कदम उठाना पड़ा कि हम मीडिया वाले को बुला बुलाने की कोशिश करके बुलाए। हम मीडिया से, हम मीडिया की तरफ से हम साफ सफाई करा रहे हैं, मीडिया तक इतला कराए हम।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।